इन्होंने वादा की, समाजवादी पार्टी ने कहा हम 400 से ज्यादा विधायक जुटा करके सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे परिवार के लोग भी बांकावे में आ गए और परिणाम क्या हुआ, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने से वंचित रह गए। हम 325 से 275 पर फिर भी प्रचंड बहुमत के साथ आए, लेकिन 2024 में कोई चूक नहीं करना है, इसलिए मैं कहता हूँ 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। गलती मत करना, ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की मिली भगत से, ये चाहते माननीय नरेंद्र मोदी जी कमजोर हो जाए, केशव प्रसाद मौर्य कमजोर हो जाए, उनको उनके वोटों को बांट दो और जो बांट करके किसी भी तरीके से अगर सपा बसपा कांग्रेस में से किसी का खाता खुल जाए तो कहने को हो जाए कि 80 की 80 सीटें नहीं जीत पाए। हमें 80 की 80 सीटें यूपी की जीतना है, 370 से अधिक सीटें कमल के फूल पर देश में जीतना है और 400 से अधिक सीटें देश भर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों के साथ जीतना है। करोगे ये लक्ष्य पूरा, पूरा करोगे? आज तारीख कौन सी है, 24, 6 दिन अप्रैल का बचा है और 6 दिन मई का बचा है, 7वें दिन आपको मतदान करना है। आज से लेकर के 7 मई तक आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने बूथ के योगी आदित्यनाथ जी हो, आप ही अपने बूथ के केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने बूथ के हमारे प्रत्याशी सांसद श्री राजू भैया जी, आप ही हो, हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने बूथ के सर्वे सर्वा आप हो। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि मेरी ओर से सबको प्रणाम कह दीजिएगा केशव जी, और प्रणाम कहने के बाद कह देना कि अगर आपने वोट दिया तो मैंने 370 हटा दिया है, और आप जाके कह देना हर बूथ पर 370 वोट जितना पिछली बार मिला था उसमें बढ़ा दे, जो बढ़ा सकते जरा हाथ उठा करके मुझको बता दे।